राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मैं आपका अपना एस्ट्रो आचार्य राजा उपाध्याय। कैसे हो मेरे प्यारे साधकों, दर्शकों एवं भक्तों? मैं आपके लिए हमेशा रेगुलर प्रार्थना करता हूँ, जो मेरे वीडियो को देखता है, माँ भगवती उसके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का समाधान करें। अभी पवित्र महीना चल रहा है, सावन का महीना। राजस्थानी सावन तो शुरू हो चुका है। सभी सावनों के अंतर्गत महादेव की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैंने ढेर सारे मंत्र बताए महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए। कुछ ऐसे तथ्य भी सावन महीने के अंदर करने चाहिए, ऐसे कार्यों को करने चाहिए जिससे जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होता है। 5 ऐसे अभिषेक जो शिव को बहुत प्रिय हैं। ऐसे ऐसे अभिषेक के क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं वो भी मैं संपूर्ण में आपको बताऊंगा। मैं आपका अपना एस्ट्रो आचार्य राजा उपाध्याय। अब आपको करना क्या है, अभिषेक के लिए सबसे पहले तैयारी क्या करनी है, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिए। 5 ऐसे साधारण अभिषेक बताऊंगा, आप खुश हो जाएंगे और ऐसी चीज तो घर में भी अवेलेबल होंगी आप लोगों के पास। तो कीजिए भोलेनाथ की सेवा और चमत्कार देखिए इस सावन महीने के अंदर। क्या करना है आपको, सबसे पहला, अगर पति पत्नी और बच्चों के अंदर, संतान पक्ष के अंदर समस्या आती है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहते, आपको लगता है कि पति कहीं दूसरी जगह पे जाकर दूसरा अफेयर कर रहा हो, पत्नी कहीं दूसरी जगह अफेयर कर रही हो, तो यह सब ग्रह किस कारण से है, पहले तो यह जानना जरूरी होता है कि कुंडली में किस भाव के कारण यह तकलीफ आती है। बृहस्पति के खराब होने से 7वें घर में और शुक्र के खराब होने से 7वें घर के, 6ठे 7वें घर के अंदर, तो आपका वैवाहिक जीवन दुष्कृत हो जाएगा, परेशान हो जाओगे एक दूसरे से, कोर्ट कचहरी जैसी भी समस्या हो जाएगी, डिवोर्स तक समस्या आ जाएगी। ऐसे कुंडली का विश्लेषण भी कराइए और इसके लिए समाधान के लिए मैं सबसे पहले आपको घर में शांति के लिए सबसे पहला जो मैं अभिषेक बताने जा रहा हूं वह केसर के पानी का अभिषेक। देखिए बहुत सारे लोग पूजा करते समय शिवलिंग के ऊपर हल्दी चढ़ा देते हैं, बिल्कुल यह वर्जित है। शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ती है क्योंकि हल्दी जो बृहस्पति से रिप्रेजेंट होती है और शिव है वह साक्षात चंद्रमा यानी चंद्र से रिप्रेजेंट होते हैं। ऐसे शिव की आराधना के लिए सबसे पहले आपका अभिषेक होगा केसर से। अगर आप केसर के पानी यानी जल को, केसर के जल को अगर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप सावन के 2 सोमवार ले लीजिए, 3 सोमवार ले लीजिए, लेकिन सोमवार के दिन ही यह अभिषेक करना है आपको, तो तुरंत ही फलित होगा। आपको केसर के जल के अंदर थोड़ा सा केसर डाल देना है और उसको जाके शिवलिंग पे इस तरह से अभिषेक करना है। बहुत सारे लोग एक हाथ से पकड़ के लोटे से अभिषेक करते, तो आपको किसका 50% ही भाग मिलता है लाभ में, आपको 50% का भाग आपको नहीं प्राप्त होता है। फिर आप कहते इतनी सारी पूजाएं करते हम तो उसका लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ और भगवान हमें साथ ही नहीं दे रहे, तो इसमें भगवान की गलती नहीं, आपकी गलती है कि आपको उसका विधि विधान, शास्त्रीय विधि विधान पता नहीं है। तो आप, यह सबसे पहला अभिषेक है। दूसरा अभिषेक किस तरह से करेंगे आप, आपको करना क्या है, दूध के अंदर शक्कर ले जाना है। यह अभिषेक किन जातकों के लिए, जिनके घर के अंदर धन से रिलेटेड समस्या आती रहती है, तो यह जातक क्या करेंगे, सबसे पहले दूध के अंदर शक्कर डालकर पीपल में चढ़ाएंगे। जी हाँ, पीपल में चढ़ाने के बाद फिर उसके ऊपर जल चढ़ाना जरूरी। देखो कोई भी अभिषेक करो तो दूध पंचामृत का कुछ भी करो उसके ऊपर जल चढ़ाना जरूरी है। तो यह दूध और शक्कर का अभिषेक पहले पीपल पे जाके करेंगे, फिर जाके शिवलिंग पे इसका अभिषेक करेंगे। आप देखिएगा इस अभिषेक से आपके घर में बरकत भी बढ़ेगी, शांति भी रहेगी और पितृ दोष का भी निवारण होने लग जाएगा। तीसरा अभिषेक, अगर आपके शत्रु पक्ष में बहुत सारे आपके दुश्मन बन चुके हो, शत्रु किस कारण से बनते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर शनि राहु केतु, इनके डायरेक्शन बिगड़ जाते हैं, इनकी भाव, इनका घर बिगड़ जाता है, तो यह क्या करते हैं, अच्छे घर में जाके विराजमान हो जाते हैं और अच्छे घरों को अभी फलित होने देते नहीं, अच्छे ग्रहों को भी फलित होने देते नहीं। आप लोग सब कहते हैं कि हमारे कुंडली में तो लक्ष्मी नारायण योग है, गज केसरी योग है, चंद्र का योग है, सब अच्छे योग है तो भी फलित नहीं होता, तो क्या ये राहु केतु अपने नेगेटिव एनर्जी को इतना एक्टिव कर देते हैं कि आपके चलते चलते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं।
तो आपको एक तीसरा अभिषेक मैं बताने जा रहा हूँ, आप इस अभिषेक को जरूर कीजिएगा, जिससे आपके जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शत्रु और तंत्र से रिलेटेड अगर समस्या आती है तो इस अभिषेक को करने से आपके जीवन में अवश्य चेंजेस होगा। 1000 क्लाइंट पे टेस्टेड उपाय है और यह अभिषेक है आपके सरसों के तेल का अभिषेक। आप कहेंगे कि शिवलिंग पे भी तेल चढ़ता है क्या? तो जरूर चढ़ता है। कुछ क्लाइंटों को क्यों नहीं पता है, कुछ एस्ट्रोलॉजी लोगों होते हैं जो ज्योतिष होते हैं, पंडित होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी शिक्षा इनको समझा ही नहीं है जो ऐसे उपायों को बता सके। हमारे पास डिग्री है, हम इन विषयों के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। जिस तरह से MBBS डॉक्टर की पढ़ाइयां होती है, उस तरह हमारी भी शास्त्रीय पढ़ाई ज्योतिष के रिलेटेड होती है। हम आपको तथ्य लॉजिकल ही चीज बताते हैं और वह टेस्टेड उपाय होता है। सरसों का तेल का अभिषेक करते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। आप 11 बार बोलिए और थोड़ा सा तेल शिवलिंग पे सरसों का चढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा गिलास भर के ले जाओ, थोड़ा सा ही चढ़ाना है, फिर उसके ऊपर जल चढ़ा दीजिए। देखिएगा, यह उपाय आपको 7 दिन के अंदर इतना अच्छा फायदा करेगा, आपके दुश्मन भी आपके पैर पकड़ के माफी मांगने लग जाएंगे। चौथा उपाय बहुत अच्छा उपाय है। घर के सभी चीजों के लिए धन, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख, संतान के सुख, पैसों के, अगर पैसा रुका हुआ भी हो तो वो भी पैसा भी मिल जाएगा, पैसा नहीं आता तो उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो पांचवा जो अभिषेक है वह पंचामृत से रिलेटेड है। पंचामृत आप सब बनाते हैं लेकिन उसका पता ही नहीं है पंचामृत में क्या क्या चीज डालनी है। जानते हैं लेकिन कुछ 5 तत्व का ही मिश्रण होता है, अन्यथा इसके अंदर कोई तत्व नहीं मिलता। बहुत सारे लोग गंगा जल मिक्स कर देते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर तुलसी के पत्र मिक्स कर देते, ऐसा नहीं चलता है। पंच तत्व अर्थात पंच तत्व ही पंचामृत कहा जाता है। 5 चीजों से मिलकर बनता है, उसे पंच तत्व पंचामृत कहा जाता है। तो कैसे पंचामृत बनाएंगे? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज से पंचामृत बनता है। और जाकर सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष अगर आप यह जोड़े में चढ़ाते हैं तो आपके संतान से रिलेटेड समस्याओं का समाधान हो जाता है। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या का भी समाधान होता है। अगर आपके लग्न नहीं हो रहे तो इस अभिषेक को करके देखिए, इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आप खुद ही कहोगे कि जीवन में चमत्कार हो गया है। मनुष्य जीवन में आने वाली समस्या कोई भी कहकर नहीं आती है, अचानक से आ जाती है। तो ऐसे जातकों के लिए जिनके समय के साथ ही बीमारी जाती नहीं है घर से, तो वह क्या अभिषेक करे शिव जी का, आप जानना चाहते हैं तो मैं आज का 5वां उपाय बता रहा हूं, जो महा उपाय है और टेस्टेड उपाय है, कहीं नहीं सुना होगा आपने। आपको क्या करना है, एक स्टील के गिलास में पानी लेकर उसके अंदर गंगा जल का पानी मिक्स कर देना है। गंगा जल के पानी के साथ गुलाब जल या गुलाब के पत्ते रख देने हैं उसी पानी के अंदर, और थोड़े बर्फ, 5 से 11 नंग बर्फ के टुकड़े उसी गिलास में रख कर आप मंदिर में जाके उस गिलास में से बर्फ अलग कर लीजिए और शंकर भगवान के चारों तरफ रख दीजिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को सभी बोल सकते हैं। अब बहुत सारे लोग के, फिर उस जल का क्या करना है ये पहले बता दूं, फिर उसको आपको दोनों हाथों से उनको चढ़ाना है और मन से। देखो बहुत सारे लोगों की क्या होती है कि बहुत चिल्ला चिल्ला के मंत्र बोलते हैं, ये करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या मन में बोलना है। शिव क्या है, मन है, मन ही चंद्रमा है। अगर आप मन में शिव का ध्यान करोगे तो आप मुझे सही में कहोगे कि सर वास्तव में इसका बहुत अच्छा टेस्टेड उपाय का रिजल्ट मिला, क्योंकि मैंने यह उपाय ऐसे क्लाइंटों के ऊपर यूज किए हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या है और फायदा भी बहुत ही हुआ है। तो इस बर्फ वाला उपाय आपको जरूर करना है और दूसरों को भी यह वीडियो शेयर करना है। देखिए ये 5 अभिषेक लोग करेंगे तो उसका 20% भी लाभ, अगर आपको पुण्य जुड़ता है आपके जीवन में, उनकी दुआ मिलती है, तो आप सबसे खुश नसीब लोग होंगे जो आपने इस वीडियो को शेयर कर आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है।
मजाक की बात नहीं है। बहुत लोग दुखी है इस जीवन के अंदर और उनके दुख कौन दूर करता है? भगवान। भगवान नहीं बन सकते, लेकिन एक माध्यम बन जाओ जिससे भगवान खुश होगा कि मेरा बच्चा देखो आज दुनिया के अंदर दूसरों की सेवा कर रहा है। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ही आपका अपना एस्ट्रो जो ऐसे छोटे छोटे उपाय बता के आपके जीवन में चमत्कार लेना चाहता हूं। अगर आपको अपने कुंडली का विश्लेषण मेरे माध्यम से करना चाहते हो तो देखिए, आप मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी समस्या हो मैं आपको समाधान बताऊंगा। आप मुझसे प्रश्न नहीं, मैं आपसे प्रश्न करूंगा और आपकी सारी व्यथा जो समस्या उसका समाधान करूंगा। बोलिए जय श्री महाकाल, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।